पोस्टपोन करने की मांग राज्य सरकार से कर दी। पीएससी की 10वीं की परीक्षा को कैंसिल करने का और 12वीं की परीक्षा को पोस्टपोन करने का निर्णय लिया है। झारखंड सरकार अगले 2 मई को जेपीएससी की परीक्षा लेने का मन बना चुकी है और अभी तक राज्य सरकार को ये संवेदना नहीं है कि ऐसी परिस्थिति में बच्चे किस तरह से परीक्षा देंगे, अभ्यर्थी किस तरह से परीक्षा में अवेयर होंगे। भारतीय जनता पार्टी अविलंब इस परीक्षा को पोस्टपोन करने की मांग राज्य सरकार से कर रही है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल जोहार झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा ली जाने वाली पीटी एग्ज़ाम को लेकर आपके मन में कन्फ्यूजन तो होगा ही। बहुत सारे छात्रों के मन में कन्फ्यूजन है कि 2 मई को एग्ज़ाम होगा कि नहीं। और दोस्तों, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि 2 मई को एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। और इस पर एक महत्वपूर्ण सूचना आई हुई है कि जैसा कि आप जानते हैं, ये कोरोना का दौर, फिर से ये कोरोना का लहर आ चुका है, जिस कारण हमारे CBSE के जितने भी एग्ज़ाम थे, 10th और 12th के एग्ज़ाम्स को रद्द कर दिया गया है। और इसको लेकर झारखंड के छात्र कन्फ्यूजन में इसलिए हैं क्योंकि झारखंड सरकार ने अभी कुछ ऐसा ऐलान नहीं किया है कि झारखंड में एग्ज़ाम्स रद्द होंगे या नहीं, पोस्टपोन्ड होंगे कि नहीं। इसको लेकर सभी छात्र मेरे पास हज़ारों कमेंट करते रहते हैं, हज़ारों कमेंट करते ही जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपका जो JPSC का एग्ज़ाम है, 100% आपका 2 मई को नहीं होने वाला है। अब आप कमेंट करेंगे कि आखिर क्यों नहीं होने वाला है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है भाई लोग, इसका कारण बताया हुआ है, लेकिन आज मैं फिर से बता दे रहा हूं कि झारखंड लोक सेवा आयोग सर्कुलर रोड रांची में जो है दोस्तों, जेल मोड़ के सामने जो JPSC है, वहाँ पर अभी तक यानी JPSC के द्वारा कोई तैयारी नहीं की गई है। एग्ज़ाम को लेकर वो कुछ तैयारी नहीं की गई है। और यदि आप सोचते हैं कि कोरोना के कारण नहीं हो रहा है, तो ये गलत बात है। यहाँ पर बात ये है कि JPSC अभी तक तैयार ही नहीं है। कोरोना तो एक बहाना है, कोरोना के थ्रू ये एग्ज़ाम को टालने का प्रयास किया जाएगा और कोरोना एक बहाना बन जाएगा। एक्चुअली में देखा जाए तो झारखंड लोक सेवा आयोग ले ही नहीं सकता है, ये कभी सही टाइम पे एग्ज़ाम नहीं लिया है दोस्तों। और एग्ज़ाम 100% है कि आपका 2 मई के बाद ही होने वाला है। आप सोचिएगा कि हेमंत सोरेन जी ने वहाँ पर चुनाव रैली में कह दिया कि एग्ज़ाम होगा, तो भैया ये बात जो होता है, मुख्यमंत्रियों का भाषण और दुकान में मिलने वाला राशन दोनों बराबर होता है। ये लोगों का कोई अता पता नहीं होता है कि क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं, और क्या सही है क्या गलत, ये नहीं सोचते हैं। उस टाइम जो बोलना है बोल के निकल जाते हैं। भैया 5 लाख नौकरी अभी तक मिला है, 500 को मिला है तो आप बताइए, नहीं मिला है, मार्च तक 15,000 को नियुक्ति देंगे, दिया नहीं दिया। तो भाई लोग देखो, बहुत सारे झूठे बोली जाती है मंत्रियों के द्वारा, बहुत सारे झूठ बोली जाती है। और झारखंड लोक सेवा आयोग अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, एग्ज़ाम ये नहीं करवा सकता है। एक्चुअली में देखा जाए तो कोरोना भी है, और कोरोना के कारण देखिए CBSE ने अपने एग्ज़ाम्स को टाल दिए। बहुत सारे छात्र यहाँ पर कमेंट करेंगे फिर बाद में कि नहीं, CHSL का एग्ज़ाम तो हो रहा है। तो भैया CHSL का जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम है और JPSC ऑफलाइन एग्ज़ाम है, इस बात को समझो। ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत अंतर होता है। इसी कारण दोस्तों, आप लोग बाद में कमेंट कर सकते हैं कि CHSL एग्ज़ाम ले रहा है तो वो एक ऑनलाइन एग्ज़ाम है, और ये जो JPSC का एग्ज़ाम है ये ऑफलाइन एग्ज़ाम है। तो ऑफलाइन एग्ज़ाम में पेपर वेपर दोनों देना पड़ता है, तो पेपर से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। इस कारण JPSC अभी पोस्टपोन किया जा सकता है, 100% किया जाएगा दोस्तों। मतलब कि अब पूरी तरह से ऐसा कंफर्म होता जा रहा है। बहुत सारे छात्र ये भी सोचेंगे कि हम लोगों का तैयारी हो गया है, तो भैया आप लोगों का तैयारी हो गया है तो आप लोगों को कोई थोड़ी मना कर रहा है कि आप लोग एग्ज़ाम मत लिखो। जो चीज़ सच्चा है वो मैं आपको बताता हूँ। आप लोग तैयार हैं तो और भी थोड़ा तैयारी कर लें। देखिए जो सही है वही मैं बताता हूँ, आपको दिखावा नहीं करता हूँ। देखो आप लोग तैयार हैं तो और भी तैयारी करते रहें। अगर 2 मई को एग्ज़ाम हो गया तो 2 मई को लिख दीजिएगा, बाकी बात मैंने तो ऑलरेडी कह दिया कि 2 मई को नहीं होगा। बाकी बात कोई ज्ञानी आदमी आपको कहता है कि 2 मई को होगा तो दीजिएगा। और आप ये सोचते हैं कि अभी तक कुछ कहा नहीं है हेमंत सोरेन जी ने, तो देखिए बाबू अभी चुनावी मौसम है, 17 तारीख को चुनाव हो जाएगा, उसके बाद देखना कुछ दिन में आपका नोटिस आएगा। क्योंकि एग्ज़ाम का डेट तो आपका 2 मई एक्सपेक्टेड है, कहा जाएगा कि एक्सपेक्टेड है, और कोरोना को देखते हुए इसे प्रसारित किया जाता है या स्थगित किया जाता है,
ये कहा जाएगा। अब जरूर बहुत जल्द इसका आपको देखने को मिल जाएगा ये समाचार, और आप खुद ब खुद देखे होंगे कि भाजपा के नेता जो हैं वो भी मांग कर रहे हैं कि जेपीएससी का एग्ज़ाम को स्थगित करना चाहिए, क्योंकि कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। भाई लोग, इस विषय में आपका क्या कहना है? बहुत सारे जो लोग होंगे वो बहुत सारे लोग जो होंगे मेरे अगेंस्ट में बोलेंगे, तो भैया देखो जो सही है मैं वही कहूँगा, बाकी बात तुमको जो लगता है तुम करो, तुम पढ़ाई करो, तुम जॉब लोगे तो तुमको फ़ायदा है, तुम जॉब करोगे तो तेरे परिवार को फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है भाई लोग। मेरा जो काम है सच्चा चीज़ आपको बताना, वही बता रहा हूँ। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार, झारखंड।